वेलकम टू मूव्स स्टडी। दिस इज द वीडियो फॉर क्लास 10th ICSE हिस्ट्री एंड सिविक्स बाय DN कुंद्रा। इससे पहले हमने अपने चैनल पे इसका चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो चैप्टर ना देखा हो जिसमें हमने यूनियन पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन किया था, तो आप उस चैनल को जाके देख सकते हैं, उस चैप्टर को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम इस बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमें सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़नी है, हमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम देखेंगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं और कौन कौन सी पावर्स प्रेसिडेंट को दी जाती हैं, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है और उसको कौन सी पावर दी जाती है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। द यूनियन एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। अब जो एग्जीक्यूटिव होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव विभाग है जिसको कहते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव विंग, तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। बेसिकली उसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो ये चार लोग होते हैं जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव विंग को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसमें बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करते हैं पहले। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, इंडिया एक रिपब्लिक देश है, आप लोग जानते ही हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इन अ रिपब्लिक इज इलेक्टेड पर्सन एंड ही होल्ड ऑफिस फॉर सच अ पीरियड एज इज डिफाइंड एंड प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। तो जो रिपब्लिक स्टेट्स का जो हेड होता है वो आपका एक इलेक्ट्रिक बंदा होता है, यानी उसको इलेक्ट करके हेड बनाया जाता है, और जितने वक्त के लिए उसको हेड बनाया जाता है वो उतने वक्त तक वो रहता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करता है। तो जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है इंडिया का और उसको भी इलेक्ट किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज ऑल्सो एन इलेक्टेड पर्सन, ही होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर, 5 साल का इनका टेन्योर होता है। आपका जो प्रेसिडेंट को जब इलेक्ट किया जाता है तो 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ही कैन बी री इलेक्टेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, अगर उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो उनको दोबारा री इलेक्ट किया जा सकता है। बट ही एज अ कन्वेंशन लेड डाउन बाय आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट द लेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डज नॉट सीक इलेक्शन टू दिस हाई ऑफिस फॉर द थर्ड टर्म। ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो वो आपको शायद पता हो शायद ना पता हो, तो वो 3 बार प्रेसिडेंट रहे थे लगातार, यानी 5 साल का टेन्योर उन्होंने किया था, फिर उसके बाद फिर उन्होंने 5 साल का किया था, फिर उसके बाद उन्होंने 2 साल का टेन्योर किया था, यानी 12 ईयर तक वो लगातार प्रेसिडेंट रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब बेसिकली 2 बार इलेक्ट हो सकता है प्रेसिडेंट, 10 साल तक टेन्योर संभाल सकता है। तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। टू सीक अ इलेक्शन टू द हाई ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ कैंडिडेट शुड पजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला तो यही है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए वो। दूसरा क्या है, ही शुड बी ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन के वक्त उसकी एज कितनी होनी चाहिए, इलेक्शन के वक्त उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल होना चाहिए। मतलब ये मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है, 35 ईयर का वो होना चाहिए। ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेम्बर ऑफ द लोकसभा बट नॉट शैल बी अ मेम्बर। अब वो क्वालिफाई होना चाहिए एज अ इलेक्शन मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए भी उसकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, बट वो लोकसभा के मेंबर नहीं होना चाहिए। जैसे लोकसभा का मेंबर बनने की जो जो क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट भी वो फुलफिल करे, लेकिन वो लोकसभा का मेंबर ना हो। यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, एक डायग्राम बनाया गया है। द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया कैसे काम करती है ये दिखाया गया। जो हेड है वो इसका प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के अंदर आपका देख सकते होंगे अंडर काम करता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका मंत्रिमंडल है जो काम करता है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्टी मिनिस्टर, और उसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं सेक्रेटेरिएट्स। सेक्रेटेरिएट्स में अलग अलग मिनिस्ट्रीज आती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालती हैं। तो ये गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग होते हैं, ये अपने सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट करते हैं, सेक्रेटेरिएट आपके कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, कैबिनेट मिनिस्टर को हेड कौन करता है, प्रधानमंत्री हमारा, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड करते हैं अपने मंत्रिमंडल को, और इन सब का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है।
फोर्थ क्वालिफिकेशन क्या है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, इफ ही होल्ड ही शुड वैकेंट द सर्च पोस्ट बिफोर सीकिंग द इलेक्शन। तब फोर्थ पॉइंट ये है कि उसके पास कोई और ऑफिस नहीं होना चाहिए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में ना स्टेट गवर्नमेंट पे। अगर वो कोई और पोस्ट उसके पास है तो वो उस पोजीशन को छोड़ दे इलेक्शन से पहले। इट मस्ट बी मेंशन हियर दैट द गवर्नर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और स्टेट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन विल नॉट। अब अगर इनमें से कोई पोस्ट है उसके पास, यानी वो किसी स्टेट का गवर्नर है अगर, मिनिस्टर है यूनियन का या वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसको पोस्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इलेक्शन कर सकता है। हाउ एवर बी कंसिडर अ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये लोग क्या है, इन लोग अगर ये लोग भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की सोचते हैं तो ये लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, इनको अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी है। मतलब है कि अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर है किसी स्टेट का या मिनिस्टर है यूनियन में, तो वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसको अपनी पोस्ट छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी प्रेजेंट में हमारे प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो श्री रामनाथ कोविंद अभी करंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम ऑफेंडर और सेंटेंस क्रिमिनल अंडर द लॉ ऑफ लैंड। प्रोक्लेम ऑफेंडर मतलब उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस ना चल रहा हो, साफ सुथरी छवि का हो। मोरओवर एज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स, प्रोस्पेक्टिव प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज नॉमिनेशन पेपर प्रपोज एटलीस्ट बाई 50 इलेक्टर्स। अब क्या होता है, जब इलेक्शन का जो फॉर्म होता है उस इलेक्शन को फॉर्म में एक कॉलम होता है जिसमें 50 इलेक्टर्स से उनको साइन कराना पड़ता है नॉमिनेशन पेपर जो होता है, और उसके बाद सेकेंडेड बाई अनदर, उसके बाद 50 के बाद फिर अनदर 50 से कराना पड़ता है। और क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि इलेक्शन लड़ने से पहले आपको 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप करेंगे जब आप नॉमिनेशन कर रहे होते हैं। और अगर आप हार गए तो वो वोट कम से कम आपको 1/6 वोट तो लाने ही लाने हैं, तभी वो आपको पैसा वापस मिलेगा। अगर 1/6 वोट आपको नहीं मिलते हैं, मान लेते हैं टोटल 60 वोट हैं, तो 1/6 होता है इसका का मतलब होगा, 1/6 वोट का मतलब होगा 10 वोट तो आपको लाने ही लाने हैं। अगर आपको 10 वोट मिलेंगे तो आपको ये 15,000 रुपये वापस मिल जाएंगे, अगर आप 9 वोट लेके आए तो ये 15,000 रुपये भी चले जाएंगे। तो इसका मतलब है आपकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिया है वो सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ हेड ऑफ द स्टेट। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सबसे ज़्यादा दिन तक रहे थे प्रेसिडेंट। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टू मे 1962। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर मे 1962 रहे थे, टोटल 12 साल वो प्रेसिडेंट रहे थे। नाउ अ प्रेसिडेंट सर्व अ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स ओनली। तो अब क्या है, प्रेसिडेंट सिर्फ 10 साल ही रह सकता है, दो बार प्रेसिडेंट बन सकता है कोई भी, वो रहे थे 12 साल तक। प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसका प्रोसीजर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बात आप जानते होंगे कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली हम लोग वोट नहीं देते, मतलब हिंदुस्तान की जो जनता है वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट नहीं देती। ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। अब उसको क्या करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज भी एक बना हुआ है, वो प्रेसिडेंट को वोट करके, मतलब उसका इलेक्शन जो होता है तो वही लोग वोटिंग करते हैं, जो एक इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ है वो वोटिंग करते हैं, उसमें से एक बंदे को चूज़ कर लेते हैं, वो प्रेसिडेंट बनता है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल फेडरिंग स्टेट। इसमें कौन कौन होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल फेडरेटिंग स्टेट, यानी MLA, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं हर स्टेट्स से, उनके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते होंगे, जो हम लोग हैं जैसे हिंदुस्तान की जनता, नॉर्मल पीपल, कॉमन ऑर्डिनरी पीपल्स, ये लोग वोट करते हैं किसमें, लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में। तो हमने लोकसभा के इलेक्शन में वोटिंग करी और विधानसभा के इलेक्शन में हमने वोटिंग करी। उसके बाद क्या होता है, विधानसभा से ही इलेक्ट होकर जो बंदे जाते हैं उन्हीं में से राज्यसभा में, हर स्टेट से एक बंदा राज्यसभा में जाता है। ये सब लोग मिलके एक कॉलेज बनाते हैं जिसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये इसमें से जो लोग जाते हैं वही लोग मिलके एक कॉलेज बनाते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इस इलेक्टोरल कॉलेज को ही अधिकार होता है वोटिंग करने का, ये वोट करता है और ये प्रेसिडेंट को चुनता है। तो प्रेसिडेंट का वोट ऐसे होता है, इसमें कॉमन पीपल डायरेक्टली वोट नहीं करते, बेसिकली वो इनडायरेक्टली वोट करते हैं। वो पहले से ही वोट कर देते हैं विधानसभा के इलेक्शन में और लोकसभा के इलेक्शन में, वो जिनको चूज़ करके भेजेंगे वही लोग क्या करेंगे, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे, फिर वो लोग मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और कौन कौन होता है इसमें, पहला तो मैंने आपको बता दिया, जो भी विधानसभा के बंदे होते हैं वो होते हैं इसके अंदर।
द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, और जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो होते हैं, ये सब लोग मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ विधानसभा इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न बाय द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली। अब क्या होता है कि हर आदमी के वोट की एक वैल्यू होती है, तो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी वोट की वैल्यू कैसे लगाई जाती है, उनकी वोट की वैल्यू बेसिकली ऐसे होती है जितनी पॉपुलेशन होती है उस स्टेट की। क्या होता है ना, कोई स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कोई स्टेट में कम पॉपुलेशन है, तो किसी की पावर ज़्यादा हो जाएगी, किसी की पावर कम हो जाएगी, तो वोटिंग का अधिकार तो सबको बराबर ही होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की, और डिवाइड करते हैं उसको किससे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, उस स्टेट में कितने MLA हैं, यानी उस स्टेट में कितने विधायक हैं। सपोज कर लिए स्टेट की पॉपुलेशन है 100, उसमें विधायक कितने हैं 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 20, और उसमें क्या करेंगे हम लोग 1000 को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से द क्वेश्चन सो ऑब्टेन इज डिवाइडेड बाय 1000, वो 1000 से डिवाइड कर देंगे, बेसिकली ऐड नहीं करेंगे। अब ये जो 5 आया तो 5 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 5 को डिवाइड करेंगे हम लोग 1000 से। तो ये बताएगा उस वोट की अहमियत, उसकी पावर कितनी है, किसकी, जो विधानसभा का जो बंदा है उसकी पावर कितनी है ये वो बताता है। तो उसकी पॉपुलेशन से वहाँ पे कितने MLA हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद उसको फिर 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है। द वोटिंग पावर ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज वर्क आउट एज द फॉर्मूला। अब अगर पार्लियामेंट के, ये तो विधानसभा के बंदों की पावर की बात हो गई, अब अगर यूनियन में जो बंदे बैठे हैं यानी जो MP हैं उनकी पावर कैसे देखी जाती है, टोटल वोटिंग पावर ऑफ ऑल स्टेट्स। अब हर स्टेट की जितनी पावर निकली, मान लेते हैं यूपी की निकली 5, किसी की निकली 6, तो सबकी टोटल जोड़ के जो पावर होती है वो ऊपर रख दी जाती है, नीचे रखा जाता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में कितने टोटल इलेक्टेड मेंबर्स है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो वो पावर जो बन के आती है वो पावर होती है आपकी किसकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की। बाय मीन्स ऑफ दिस अरेंजमेंट इट हैज़ बीन इंश्योर्ड दैट द वोटिंग पावर ऑफ एन MLA इज प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन ही रिप्रेजेंट। तो एक MLA की वोटिंग पावर किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बेसिकली आप कह सकते हैं जिस एरिया में वो है, जितनी पॉपुलेशन है उसकी, उस पर डिपेंड करती है वो। ऑन द अदर हैंड द वोटिंग पावर ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज मेड इक्वल टू द वोटिंग पावर ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द कंट्री, सो दैट द स्टेट शुड नॉट हैव एन अपर हैंड इन द इलेक्शन ऑफ द स्टेट। तो अब क्या होता है, जब स्टेट्स लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऐसा ना हो कि जो स्टेट है उसके बंदों को ज़्यादा पावर दे दी जाए वोटिंग की, तो उनको नॉर्मलाइज किया जाता है। बेसिकली ये जो करा जा रहा है, जो फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, ये पावर्स को नॉर्मलाइज करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इसमें वोट करते हैं और MLA भी वोट करते हैं, यानी विधानसभा के लोग भी वोट करते हैं, तो दोनों की वोटिंग पावर इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टेट्स में, जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी पावर ज़्यादा हो वोट करने की। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड अकॉर्डिंगली टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है उससे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, याद रखिएगा। और जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम होता है, उसमें हिंदुस्तान की जनता वोट करती है, इसमें हिंदुस्तान की जनता वोट नहीं करती, ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द वोटर मे मार्क एज मेनी प्रेफरेंसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें क्या होता है कि बैलेट पेपर पे क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट मान लिए इलेक्शन के लिए खड़े हुए, उनको लगता है कि वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो उन्होंने अपना नाम नॉमिनेशन में डाल दिया। तो अब ये जो वोटिंग जो बंदे कर रहे हैं कौन है, वो जो मेंबर्स हैं आपके विधानसभा के और आपके यूनियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो वोटिंग करते हैं, तो वो अपना प्रेफरेंस देते हैं कि एक नंबर पे हम इसको वोट देंगे, दो नंबर पे इसको देंगे, अगर ये बनता है तो पहला तो मेरा हक इसी को है कि इसको दूंगा, अगर ये नहीं बनता तो दूसरा बंदा, ये मेरी पसंद का तीसरा बंदा है, अपना अपना प्रेफरेंस दिया जाता है बैलेट पेपर में। तो मान लेते 6 कैंडिडेट खड़े हुए तो सबको अलग अलग प्रेफरेंस मिल गया। After the casting of the vote is over, जब वोट की कास्टिंग ओवर हो जाती है, the first of all the first preference vote are counted। तो सबसे पहले जो पहला प्रेफरेंस होता है उसके वोट काउंट किए जाते हैं कि उसको कितने वोट मिले। If any candidate gets absolute majority or more than 50% of the vote, he is declared elected and there is no need of counting the second preference vote। अगर पहला प्रेफरेंस का बंदा, जब उसके वोट काउंट हो रहे हैं जो पहले प्रेफरेंस पे है, अगर वो मेजोरिटी वोट ले आया या फिर या 50% से ज़्यादा वोट ले आया, मान लो कि 100 लोग वोटिंग कर रहे हैं और वो 51 वोट ले आया, तो वो जीता डिक्लेयर हो जाएगा। अब नया जो दूसरे नंबर पे जिसकी प्रेफरेंस है उसका डिब्बा चेक करने की ज़रूरत नहीं, उसको कितने वोट मिले। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर बारी बारी सारे डिब्बे चेक किए जाएंगे,
जो सबसे लीस्ट वाला होगा उसको एलिमिनेट करते जाएंगे। मान लेते हैं जिसको सबसे कम वोट मिले उसको हटाया लाइन से, अब 6 लोग थे, एक हटा दिया गया, 5 बचे, फिर देगा सबसे कम वोट किसको, उसको हटाया। तो ऐसे धीरे 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 जिसको सबसे कम वोट मिलते रहेंगे वो हट जाएगा, ऑटोमेटिकली जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो मेजोरिटी से जीत जाएगा, तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब क्या इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ओवर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1957 एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ले डाउन डैट सच अ डिस्प्यूट शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होती है, तो वो कौन देखेगा, वो देखेगा सुप्रीम कोर्ट। 29 अमेंडमेंट एक्ट 1975 और 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ये डिसाइड हुआ है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होगी तो वो डिस्प्यूट किसके पास जाएगी, वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट होती है तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही सॉल्व करेगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए ये भी देख लेते हैं। इफ प्रेसिडेंट वॉज टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ही कुड बिकम अ राइवल सेंटर ऑफ पावर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर जनता वोट करती तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, तो वो इसके खिलाफ हो जाते हैं, वो अपने भी वोटिंग उसी जनता करती है, तो काउंसिल ऑफ वोट अपना होता नहीं है कि आदमी को इनसे मतलब नहीं है उनसे मतलब नहीं, तो ऐसा होता है कि अगर जनता वोट करेगी प्रेसिडेंट को भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी जनता ही ने वोट दिया है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें थोड़ी बहुत खटास आ जाएगी। इसलिए ये वोटिंग सिस्टम इनडायरेक्ट किया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जनता ने वोट दिया है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। दिस इलेक्टोरल प्रोसेस इंश्योर डेट द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द स्टेट एज वेल एज द यूनियन। और ये जो सिस्टम है कि इससे ये भी साबित होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो इसकी वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट स्टेट की वॉइस को भी रिप्रेजेंट करता है और यूनियन की, क्योंकि इसमें दोनों लोग वोट करते हैं, विधानसभा के मेम्बर्स भी वोट करते हैं और यूनियन पार्लियामेंट के मेम्बर भी वोट करते हैं। एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन इज सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सच डिग्निटी बिकॉज इट वुड बी फ्री ऑफ करप्शन एंड अदर मैलप्रैक्टिस। अब इतनी बड़ी पोस्ट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन भी सही इसलिए रहता है क्योंकि इसमें कोई करप्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें वही बंदे पहुँचेंगे जिनको ऑलरेडी आपने इलेक्ट करके पहुँचाया है वहाँ पर और वही अपना वोट सब देंगे। इट इज़ अ यूनिक वे ऑफ इलेक्टिंग द हेड ऑफ द कंट्री विदाउट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। और ये तरीका भी एकदम यूनिक है कि हेड कंट्री के हेड को आप इलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है कंट्री की वो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो रही है। अगर आप उसको इन्वॉल्व करते, इफ देयर आर टू जनरल इलेक्शन, वन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वन फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर वन फॉर द प्रेसिडेंट, इट वुड लेड टू अ ट्रेमेंडस एक्सपेंडिचर, लॉस ऑफ रिसोर्सेज, मनी, टाइम एंड एनर्जी। अगर दो इलेक्शन कराए जाते, एक होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने का जो इलेक्शन होता है हमारा लोकसभा का, एक वो इलेक्शन होता और एक होता प्रेसिडेंट के लिए, तो हम जितना पैसा उसमें खर्चा करते हैं उस इलेक्शन में, तो कितना पैसा हम खर्चा करते हैं, कितनी रिसोर्सेज खर्चा करते हैं, कितना टाइम हमारा खर्चा होता है और कितनी एनर्जी, तो वो सब हमारा बच जाता है जब हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं, तो वो सब टाइम भी बचाते हैं, अपना पैसा ही बचाते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, अब तक के 14 प्रेसिडेंट इंडिया को मिल चुके हैं। पहले तो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे जो कि 12 साल तक रहे थे, उसके बाद आप देख सकते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके नाम पे ही हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, उसके बाद जाकिर हुसैन आए, फिर वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद रहे, नीलम संजीवा हमारे छठे प्रेसिडेंट थे 1977 से 82 तक रहे, ज्ञानी जली सिंह, वेंकटर रमन, एस डी शर्मा, के आर नारायण, ए पी जे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक रहे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक रहीं, श्री प्रणब मुखर्जी रहे आपके 2012 से 2017 तक, और अभी जो करंट में है वो कौन है, रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद 2017 से हैं, टिल डेट चलेंगे जब तक दोबारा रीएलेक्ट नहीं होते, ये 5 साल का टेन्यूर होता है बेसिकली इनका। टर्म ऑफ ऑफिस, अब ऑफिस का टर्म क्या होता है आप जानते हैं कि 5 साल होता है बेसिकली, प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है और 5 साल के बाद वो दोबारा इलेक्ट हो सकता है। हिज ऑफिस फॉल वेकेट अंडर द फॉलोइंग, लेकिन उनका ऑफिस कब खाली हो सकता है हम ये देखते हैं। पहला तो ये है कि अगर डेथ हो जाती है, अगर डेथ हो जाएगी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट द ऑफिस फॉल वेकेंट, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो ऑफिस को खाली कर दिया जाता है। जब ऑफिस खाली हो जाता है तो इमीडिएटली उसको टेक ओवर कौन करता है, उसको टेक ओवर करता है वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की डेथ हो गई अगर तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी सीट को टेक ओवर कर लेगा और नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन तुरंत करवाने की कोशिश की जाएगी, यानी 6 महीने के अंदर
नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट उस कुर्सी पे आ गया है और एक्ट कर रहा है एज अ प्रेसिडेंट, तो उस दिन से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा हो जाए कि नया प्रेसिडेंट आ जाए। अगर प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे देता है, पहला तो डेथ हो गया, दूसरा क्या है, अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया, अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया, प्रेसिडेंट में रिजाइन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज फुल टर्म बाय राइटिंग अ लेटर एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट लेटर देता किसको, ये भी बात याद रखिएगा। अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, अपना रेजिग्नेशन देगा वो वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट तुरंत जाके लोकसभा के स्पीकर को बताएगा, और जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता 6 महीने के अंदर, तब तक उस गद्दी को कौन संभालेगा, उस गद्दी को वाइस प्रेसिडेंट ही संभालेगा। तो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट उस गद्दी को संभालता है, तो 6 महीने के अंदर हमें नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना ही करना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 to 69 एंड मिस्टर फखरुद्दीन अली 1977-74 to 75 आर द टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन द वॉर्स विदाउट कम्प्लीटिंग इन द टर्म। तो अब ये दो, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की डेथ हो गई थी 10 years से पहले। तो आप देख सकते हैं 67 to 69 तक ये चले थे, दो साल रहे, और 74 to 77 3 साल तक रहे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। अब क्या है तीसरा प्रोसेस, क्या है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ रिमूवल। ये तो हो गया कि प्रेसिडेंट खुद रिजाइन दे दे या डेथ हो जाए। तीसरा क्या है, अगर उसको हटाया जाए, इफ़ प्रेसिडेंट बिगेन टू एक्ट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ प्रेसिडेंट काम करने लगेगा और वो गिल्टी पाया जाएगा कि अपने स्टेटस का और अपनी पोजिशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है और करप्शन में पाया जाएगा, तो उसको ऑफिस से हटाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है, द प्रोसेस स्टार्ट विद द चार्जेस बीइंग फ्रेम बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 majority ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है कि पार्लियामेंट का कोई भी एक हाउस उस पर चार्जेस लगाता है, और जो भी चार्जेस लगाता है वो 2/3 majority से उसके ऊपर वोटिंग होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब वोटिंग होती है, एक रेजोल्यूशन पास होता है पार्लियामेंट में, या ऑलरेडी हम लोग लोकसभा जब पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, तो हमने उसमें आपको बताया था ये चीज़, 2/3 majority से वोटिंग होती है, उसको पास कराया जाता है, फिर एक 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अब 14 डे नोटिस साइन बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स हैज़ टू बी गिवन। एक 14 दिन का नोटिस कितने लोगों को दिया जाता है, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर, जो पार्लियामेंट के टोटल मेंबर होते हैं उसका 1/4, यानी अगर 100 हैं तो 25 लोग। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है, उसके बाद जो दूसरा हाउस है, मान लेते हैं लोकसभा ने चार्जेस लगाए थे उनके ऊपर और 2/3 majority उनको पास कर दिया, तो राज्यसभा जो दूसरा हाउस है वो क्या करेगा, उन चार्ज जो भी चार्जेस लगे उसकी जांच पड़ताल करेगा कि वो सही है या गलत। अगर चार्जेस सही पाए जाते हैं, इफ़ द चार्जेस अपहेल्ड बाय द 2/3 majority ऑफ द हाउस, अगर 2/3 majority ने कह दिया कि हाँ वो चार्जेस सही हैं, तब द प्रेसिडेंट इज इम्पीच एंड रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इमीडिएटली। तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है और ऑफिस से उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपियर इन हिज ओन डिफेंस और टू प्रेजेंट दिस केस बिफोर द इन्वेस्टिंग हाउस। प्रेसिडेंट को भी राइट दिया जाता है कि वो अपने डिफेंस में बोले या वो अपने आप इस केस को प्रेजेंट कर सकता है कहाँ, इन्वेस्टिंग हाउस में, इन्वेस्टिगेटिंग जो हाउस है उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बेसिकली अगर कोई भी एक हाउस इल्ज़ाम लगाता है, तो अगला हाउस उसको पहले चेक भी करता है, उसके बाद जब वो जो इल्ज़ाम अगर सही साबित होते हैं तभी आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अकोमोडेशन इन द राष्ट्रपति भवन फ्री ऑफ कॉस्ट। राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति भवन में रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बिसाइड ही गेट्स सच फैसिलिटीज अलाउंसेज मे बी डिफाइजेड बाय द पार्लियामेंट टाइम टू टाइम। और भी फैसिलिटीज इनको मिलती हैं, जो भी फैसिलिटीज पार्लियामेंट डिसाइड करेगी टाइम टू टाइम वो फैसिलिटीज भी इनको दी जाएंगी। इनकी सैलरी कितनी होती है, 5 lakh per month इनकी सैलरी होती है प्रेसिडेंट की, और उसके अलावा अलाउंसेज मिलते हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कौन कौन सी पावर्स दी जाती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंजॉय द वास्ट पावर विच आर एज फॉलोज। सबसे पहली है एग्जीक्यूटिव पावर। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सो ही हैज़ टू मेक मेनी अपॉइंटमेंट्स टू की पोस्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में, क्या वो हेड एग्जीक्यूटिव का, तो वो अलग अलग अपॉइंटमेंट करता है, अलग अलग विभाग के लोगों का अपॉइंटमेंट करता है। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, Prime Minister and the Council of Minister, on his advice, he summon the leader of the majority group in the parliament and asks him to form the government. Prime Minister को appoint करता है, Council of Minister को भी appoint करता है, Prime Minister and the Council of Minister on his advice,
उसके बाद क्या होता है कि जो भी जब नई रूलिंग पार्टी जो जीतती है तो रूलिंग पार्टी को भी समन कौन करेगा कि आइए आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए, तो कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट ही करता है, हमारा प्रेसिडेंट ही करता है। बेसिकली क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें से चुनते हैं, लेकिन वो किसकी एडवाइस लेते हैं? वो प्रेसिडेंट की एडवाइस लेते हैं चुनने के लिए। प्रेसिडेंट उनको एडवाइस करता है कि आप किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी है, तो एडवाइस उसमें प्रेसिडेंट की ली जाती है। और जब नई सरकार बनती है तो उनको सरकार को बनाने के लिए जो दावत जो देते हैं, जो नेता जो भेजते हैं, समन जो करते हैं, वो समन कौन करता है? उसको प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद वो क्या करता है, ही अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है? उनको भी अपॉइंट हमारा प्रेसिडेंट ही करता है। उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ कमिश्नर ऑफ द यूनियन टेरेटरीज। तो चीफ कमिश्नर होते हैं यूनियन टेरेटरी के, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। के बाद द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। जो चीफ जस्टिस होते हैं जज और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनके मेंबर होते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग को भी आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द नीति आयोग, जो नीति आयोग है उसके चेयरमैन और मेंबर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक कमीशन, उनको भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी कौन करेगा अपॉइंट? प्रेसिडेंट करेगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरेटरीज एंड द बॉर्डर एरियाज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो यूटीज होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है। या जो भी बॉर्डर एरियाज होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द गवर्नर ऑफ द असम नागालैंड एक्ट एज द एजेंट टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो डायरेक्ट करे, कोऑर्डिनेट करे और कंट्रोल करे स्टेट गवर्नमेंट्स को, और जो गवर्नर्स होते हैं असम के और नागालैंड के वो उसके एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं वो, जो आदिवासी एरियाज होते हैं उसमें वो क्या करते हैं? उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम करते हैं वो, और वो काम किसकी जिम्मेदारी है? वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है। द प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स एंड इशू ऑर्डर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए प्रेसिडेंट रूल्स बना सकता है कि जिससे गवर्नमेंट सही चलती रहे। ऑल द यूनियन मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जितने भी यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? प्रेसिडेंट के लिए इंडिविजुअली, और तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उनको प्रेसिडेंट हटा सकता है ऑफिस से, लेकिन उससे पहले वो एडवाइस लेगा प्राइम मिनिस्टर से, या अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो ही हटाएगा वो, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेगा तब उनको हटा सकता है, लेकिन उसके पास पावर होती है हटाने की। अब लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट की, ये भी देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। अब जो लेजिस्लेटिव पावर है उसमें क्या आ जाए, यूनियन पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बना हुआ है। तो आप पावर देखते हैं कि लेजिस्लेटिव में इनके पास कौन सी पावर है प्रेसिडेंट के पास। द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर इज एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इन विच ही लेज इम्फेसिस ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने ये आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि लोकसभा का जो पहला सेशन होता है और साल का पहला सेशन जो होता है, मतलब नई गवर्नमेंट बनी तो जो पहला सेशन चलेगा उसको एड्रेस कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और हर साल का जो पहला सेशन होगा उसको भी कौन एड्रेस करता है? उसको भी एड्रेस प्रेसिडेंट करता है, जिसमें वो गवर्नमेंट की एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, उसी पे इम्फेसिस करते हैं। ही कैन समन और प्रोरोग आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब वो चाहे तो किसी भी हाउस को, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनको समन करके बुला सकता है, और प्रोरोग मतलब क्या है, उनको रोक भी सकता है कि अभी सेशन नहीं होगा, अगर कोई भी सेशन चल रहा हो सेशन को बंद भी कर सकता है, क्योंकि मैंने लोकसभा वाले चैप्टर में ये आपको बताया था जब हमने लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे। ही कैन डिजॉल्व द लोकसभा, वो लोकसभा को डिजॉल्व कर सकता है, नए इलेक्शन करवा सकता है। ही कैन एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट और ईच ऑफ द हाउसेस। अब अगर वो चाहे तो दोनों हाउसेस का सेशन एक साथ भी करा सकता है और एक एक करके भी ले सकता है। इफ़ अ बिल हैज़ बिन रिजेक्टेड बाई एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इफ मोर देन 6 months हैव इलैप्स, द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द बिल। अगर कोई बिल है
और वो रिजेक्ट कर दिया गया किसी एक हाउस के द्वारा, मान लेते राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया और 6 महीने से ज़्यादा गुजर गए, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट दोनों की ज्वाइंट मीटिंग करा सकता है बिल को पास कराने के लिए। द बिल इज़ पास बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग, द लोकसभा हैज़ एन एडवांटेज बिकॉज इज सुपीरियर स्ट्रेंथ। ये पॉइंट मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा था कि क्या होता है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है जब ज्वाइंट सिटिंग में सिंपल मेजोरिटी होगी, सबको वोट देना है, तो लोकसभा में 545 लोग बैठे वोटिंग कर रहे हैं और राज्यसभा में कौन लोग कर रहे हैं, 245 के आसपास हैं, तो क्या होता है कि जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो वो तो मेजोरिटी हार जाएगा ना, तो लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस केस में लोकसभा के पास अपर हैंड होता है। अगर लोकसभा ने किसी बिल को मना कर दिया तो फिर बिल वो पास नहीं होगा। ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स टू द लोकसभा। वो 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, 2 मेंबर्स आपके लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज होते हैं। ही कैन सेंड मैसेज टू द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो दोनों हाउस के जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस होते हैं उनको मैसेज भेज सकता है। ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, देयरफॉर नो बिल पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम अ लॉ अनलेस ही साइन इट। अगर दोनों हाउसेज ने भी उस बिल को पास कर दिया ना, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो वो तब तक लॉ नहीं बनेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ मेकिंग का, कौन, प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट मे गिव हिज एसेंट और विदहोल्ड द बिल और सेंड इट बैक टू द हाउस फॉर द रिकंसिडरेशन विद हिज सजेशन और रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट चाहे तो बिल को आगे बढ़ा दे, रोक ले, और चाहे तो वापस भेज दे और अपना रिकमेंडेशन दे कि ऐसा ऐसा इसमें चेंजेस करो कि इसको रिकंसिडर करो। हाउएवर इफ बिल इज पास अगेन विद और विदाउट हिज सजेशन द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट। अब अगर दोबारा बिल आ जाता है और उसमें मान लो कि प्रेसिडेंट का सजेशन चाहे लिया हो चाहे ना लिया हो, दोबारा बिल आ गया अगर, तो दोबारा उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ही हैज़ टू गिव हिज असेंट। द प्रेसिडेंट हैज़ नो चॉइस इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल में उसके पास कोई चॉइस नहीं होता, उसको बढ़ाना पड़ता है। ही हैज़ टू साइन इट। ही इशूज ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अगर पार्लियामेंट नहीं होगा सेशन में तो उसको क्या करेगा, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। एन ऑर्डिनेंस इज एन टेम्पररी लॉ प्रोमोगेटेड एट द टाइम व्हेन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंस होता क्या, ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है जो बनाया जाता है जब दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में ना हो। इफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव द ऑर्डिनेंस विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट इट रीअसेंबल द ऑर्डिनेंस विल बी लैप। अगर पार्लियामेंट 6 महीने के अंदर उस ऑर्डिनेंस को नहीं पास करता तो वो ऑर्डिनेंस रद्द कर दिया जाता है, वो कानून नहीं माना जाता। अ बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ द एरियाज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई ऐसा बिल है जो कह रहा है कि नया स्टेट बनाना है या किसी एरिया को बढ़ाना है, अल्टर करना है, तो वो तब तक नहीं जाएगा जब तक प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड नहीं करेगा, तब तक वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। द गवर्नर में रिजर्व एंड सेंड अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज हिज एसेंट और गिव प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज हिज एसेंट और कैन ऑल्सो सेंड इट बैक टू द रिकंसल्टेशन। अगर गवर्नर कोई बिल रिजर्व करता है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट को भेज देता है स्टेट लेजिस्लेटर कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट को देता है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। किसका, गवर्नर ने जो बिल अगर आगे बढ़ाया है, तो गवर्नर जो स्टेट का गवर्नर होता है, अगर उसने कोई भी बिल आगे बढ़ाया है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसके एसेंट्स को रिफ्यूज़ कर सकता है और गिव हिज असेंट और कैन ऑल्सो सेंड इट बैक फॉर द रिकन, और वो चाहे तो उसको वापस दे सकता है कि वापस करो उसको और दोबारा इसको रिकंसिडर करो। तो गवर्नर, प्रेसिडेंट ये भी कर सकता है अगर गवर्नर किसी बिल को आगे बढ़ा भी दे। फाइनेंशियल पावर क्या होती है, उसकी फाइनेंशियल पावर देख लेते हैं। आवर प्रेसिडेंट हैज़ बीन गिवेन अ वास्ट फाइनेंशियल पावर ऑल्सो। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इन दिस रिगार्ड्स आर बिलो। ही कैन कॉज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट इन द बिगनिंग ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। वो अगर चाहे तो, जो चाहे क्या वो करता है, वो क्या करता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उसको पार्लियामेंट के सामने लाता है हर साल का। जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो पार्लियामेंट में पेश कराए जाते हैं। किसके द्वारा, वो गवर्नर कहता है, तो वो होती हैं चीज़ें। ही कॉज द एनुअल बजट एंड द सप्लीमेंट्री बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। और वो क्या करवाता है, वो ये भी करवाता है जो एनुअल बजट है उसको और सप्लीमेंट्री बजट को भी पार्लियामेंट में पेश किया जाए।
नो वली बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज प्रायर असेंट. मनी बिल पार्लियामेंट में तब तक नहीं आएगा जब तक वो उसको आगे नहीं बढ़ाएगा. ही डिस्ट्रीब्यूट मतलब पहले जब उसका प्रायर असेंट का मतलब ये कि पहले जब तक वो उसको आगे नहीं बढ़ाएगा. ही डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ इनकम टैक्स रिसीव बिटवीन द यूनियन एंड द टैक्स. अब जो यूनियन और स्टेट से जो भी टैक्स आता है उसको वो क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है दोनों में स्टेट्स को और यूनियन में. यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है चार्ट जिसमें शॉर्ट में उसकी सारी पावर डिस्कस की गई कि पावर्स कौन कौन सी होती हैं. एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर. अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है गवर्नर्स को अपॉइंट करता है एम्बेसडर को अपॉइंट करता है यूपीएससी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है और लॉ बनाने की भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लेजिस्लेटर में क्या है कि समन करेगा प्रोरोग करेगा लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है एसेंट टू बिल बिल को आगे बढ़ाएगा ऑर्डिनेंस पास करा सकता है नॉमिनेट मेंबर टू द राज्यसभा एंड द लोकसभा. फाइनेंशियल पावर की बात करें तो बजट अपॉइंट्स द हेड ऑफ द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन. तो जो फाइनेंस कमीशन का हेड होता है उसको भी कौन अपॉइंट करेगा उसको भी यही गवर्नर अपॉइंट करता है. जुडिशियल पावर क्या है अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. और अगर किसी को माफ़ी देनी हो तो उसको भी ये पार्डन कर सकता है किसी को मतलब फांसी की सज़ा अगर हुई है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है. तो जुडिशली पावर में आता है प्रेसिडेंट हैज़ बीन गिवन अ नंबर ऑफ पावर इन द जुडिशियल स्पेयर ऑल्सो. ही इज़ नॉट answerable before any court of law for the discharge of his duty. मतलब वो answerable नहीं है किसी भी कोर्ट को कोई भी कोर्ट उससे सवाल नहीं कर सकता. तो पहली तो उसकी judicial power ये है कि कोई भी कोर्ट उससे सवाल नहीं करता उसकी duties के बारे में. No criminal suit can be initiated against him during his tenure. अगर जब तक वो president है तो कोई भी case नहीं हो सकता उसके खिलाफ कोई भी criminal case उसके खिलाफ नहीं हो सकता अगर जब तक वो president है. He has the power to grant pardon to remit or suspend or sustain of the punishment on any appeal for mercy. He can commute even death sentence to the imprisonment for the life or otherwise in respect of an offender who has been sentenced to death by Supreme Court. वो चाहे तो लोगों को माफ़ भी कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मौत की सज़ा भी सुनाई है तो उसकी माफ़ उसको भी वो माफ़ कर सकता है या कोई और सज़ा है कोई मर्सी की अपील किसी ने करी है प्रेसिडेंट से अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सज़ा को भी कम करा सकता है. तो ये भी एक पावर होती है प्रेसिडेंट की. मिलिट्री पावर की अगर आप बात करें तो मिलिट्री पावर क्या क्या है. मिलिट्री पावर क्या होती है प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द इंडिया हैज़ बीन वेस्टेड विद द नंबर ऑफ द मिलिट्री पावर्स. मतलब अलग अलग मिलिट्री पावर्स हैं उसके पास बेसिकली वो तो हेड ही होता है. ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया. तो इंडिया की जो आर्म फोर्सेज होती हैं उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है उसका सुप्रीम कमांडर जो होता है वो कौन होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है यानी हमारा प्रेसिडेंट होता है हिंदुस्तान का. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन फोर्सेज इन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. तो जो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होता है वो आपका सुप्रीम कमांडर होता है किसका इंडियन फोर्सेज का. जो तीनों फोर्सेज हैं इंडिया की तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन है प्रेसिडेंट. ही अपॉइंट द चीफ ऑफ द थ्री विंग्स ऑफ द आर्म फोर्सेज सब्जेक्टेड टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. और तीनों फोर्सेज की जो तीनों फोर्सेज हैं तीनों के चीफ को कौन अपॉइंट करेगा आपका प्रेसिडेंट करेगा. ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस विद एनी फॉरेन पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर. वो चाहे तो लड़ाई कर सकता है और चाहे तो शांति भी बना सकता है लेकिन किसी भी पड़ोसी मुल्क से चाहे तो वॉर कर सकता है लेकिन उसके लिए वो पहले एडवाइस किससे लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेगा. अगर वॉर की सिचुएशन आती है तो वो चाहे तो वॉर स्टार्ट करवा सकता है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का मसला वॉर हो. इसलिए वो पीस से काम लेते हैं और यूनियन ऑफ काउंसिल से बात करते हैं सजेशन करते हैं. कहने का मतलब ये कि उसके पास ये पावर है चाहे तो वो लड़ाई स्टार्ट करवा सकता है. डिप्लोमेटिक पावर कौन कौन सी है उसके पास. द प्रेसिडेंट सेंड एम्बेसडर टू द अदर कंट्रीज. हिंदुस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो अपने एम्बेसडर हिंदुस्तान के एम्बेसडर भेजता है कहाँ दूसरी कंट्रीज में ये उसकी पावर है. ही रिसीव एम्बेसडर एंड अदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन नेशन. अगर फॉरेन नेशन से कोई डिप्लोमेटिक एम्बेसडर आ रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं तो उनको रिसीव कौन करेगा प्रेसिडेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही इंटर इन टू द ट्रीटीज एग्रीमेंट विद अदर नेशन सब्जेक्ट टू द रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट. अब अगर किसी भी दूसरे मुल्क के पड़ोसी देशों से आप ताल्लुकात बना रहा है हिंदुस्तान या कोई भी ट्रीटी साइन कर रहा है या एग्रीमेंट हो रहा है तो वो कौन देखेगा वो प्रेसिडेंट देखता है. ही रिप्रेजेंट द इंडिया एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. और जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होंगी तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा इंडिया का हेड कौन होता है प्रेसिडेंट. एमरजेंसीज पावर की बात करें कि कौन कौन सी एमरजेंसीज पावर्स होती हैं उसकी. One of the power vested in the President of India, emergency power, the most far-reaching effect. The President can declare three type of emergencies. तीन तरह की emergency President लगा सकता है. पहली कौन सी national, state और financial. तीन तरह की emergency लगती है तीन article के तहत. एक article 352, 356 and 360. National emergency की बात करते हैं याद रखिएगा
नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो आर्टिकल 352 के तहत लगती है। आर्टिकल 352 किससे डील करता है? नेशनल इमरजेंसी से। क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। इट कैन बी डिक्लेयर इन द होल ऑफ द इंडिया और अ पार्ट ऑफ अ टेरिटरी इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन अंडर आर्टिकल 352। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर सच एन इमरजेंसी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन रिक्वेस्ट बाय द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर कंट्री में वॉर की सिचुएशन आ गई या कोई ऐसी समस्या आ गई जो सिक्योरिटी को हार्म कर रही है तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए तुरंत नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। लेकिन इस नेशनल इमरजेंसी तभी लगती है जब जो यूनियन कैबिनेट है वो रिटर्न में प्रेसिडेंट को दे और उसको हेड कौन करे, प्राइम मिनिस्टर हेड में करे और रिटर्न में प्रेसिडेंट को दे और ये बात कही जाए कि नेशनल इमरजेंसी लगानी है प्रेसिडेंट को। तो आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट क्या करेगा, नेशनल इमरजेंसी लगा देगा। सच अ प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 month। और अगर ये प्रोक्लेमेशन आता है तो पार्लियामेंट अगर 1 month के अंदर इसको अप्रूव कर देता है तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी। सच एन इमरजेंसी कैन बी इम्पोज फॉर 6 months एट अ टाइम। एक बार में 6 महीने की लगेगी बस। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months बाय रिपीटिंग द पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड देर इज नो मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर सच एन इमरजेंसी। अब अगर 6 महीने से और आगे बढ़ाना है तो दोबारा फिर वही प्रोसीजर करना पड़ेगा, पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा। अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देता तो फिर 6 महीने की लग जाएगी। फिर अगर लगानी तिबारा तो फिर पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा, फिर 6 महीने की लग जाएगी। तो इसका कोई मैक्सिमम टाइम नहीं है, ये बार बार बढ़ती सकती है लेकिन एक बार में 6 महीने के लिए ही लगती है। अब स्टेट इमरजेंसी की बात करें, ये तो नेशनल इमरजेंसी होगी। स्टेट इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल किसे बोलते हैं? स्टेट इमरजेंसी मतलब है किसी राज्य में कोई एक राज है और वहाँ इमरजेंसी लग गई तो उसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो वो प्रेसिडेंट के अंदर आ जाता है, उसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। इफ द प्रेसिडेंट इज फुली सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज बीन ब्रेक डाउन ऑन द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी कैरीड आउट और द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई स्टेट है और उसका गवर्नर प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट पेश करता है कि यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, ये राज्य सरकार इस राज्य को सही से नहीं चला पा रही है, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, वहाँ पे इमरजेंसी लगा देगा। वो इमरजेंसी कैसे लगती है? वो इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 जो स्टेट इमरजेंसी और बोला जाता है जिसको राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इट इज़ रिफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट रूल। सच एन इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months। तो 2 month में अगर ये इमरजेंसी का प्रस्ताव रखा जा रहा है तो पार्लियामेंट को उसको 2 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा। अगर वो 2 महीने के अंदर अप्रूव कर देता है तो ये इमरजेंसी लग जाएगी। ये इमरजेंसी लगती है 6 महीने के लिए और मैक्सिमम पीरियड होता है 3 साल, 3 साल से ज़्यादा नहीं होती। और 6 महीने के लिए जब लगती है तो हर 6-6 महीने पर इसको दोबारा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, दोबारा अप्रूवल करना पड़ेगा और ये मैक्सिमम 3 साल के लिए लग सकती है। यानी 3 साल है तो 5 बार ही अप्रूव होगी। 6 महीने हुआ, फिर अप्रूव हुआ, फिर अगले 6 महीने के लिए, फिर अप्रूव कराएंगे, फिर अगले 6 महीने के लिए। दिस कैन बी अचीव बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज हैपन इन केस ऑफ पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। तो जो पंजाब और जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो बेसिकली यही थी कि स्टेट इमरजेंसी लगी थी, 6-6 महीने पे बढ़ाई गई थी। तो ये आप वहाँ पे भी उस केस को आप देख सकते हैं जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के केस में हुआ। एक होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल का मतलब है पैसे से रिलेटेड। अगर हिंदुस्तान में पैसे का क्राइसिस आ जाता है, जैसे वित्त संकट जिसको बोलते हैं, तब एक इमरजेंसी लगती है, उसको बोलते हैं आर्टिकल 360 के तहत उस इमरजेंसी को लगाया जाता है। अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट फिजिबिलिटी ऑफ द नेशन और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड और हैज अकर लाइकली टू अकर। सच इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट within the 2 months by a simple majority it has not been declared in India so far। अब अगर उसको लगता है कि हिंदुस्तान में पैसे की कमी हो रही है यानी वित्त संकट आ रहा है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। इस इमरजेंसी को लगाने के लिए पार्लियामेंट को 2 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ता है। अगर 2 महीने के अंदर अंदर इस बात को वो अप्रूव कर लेता है पार्लियामेंट तो ये इमरजेंसी लगेगी, वरना ये इमरजेंसी नहीं लगेगी और ये आज तक कभी इंडिया में नहीं लगी है। अब देखते हैं कि अगर ये इमरजेंसी लगती हैं तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं। द इम्प्लीकेशन एंड द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन आर डिस्कस्ड इन द इमरजेंसी ड्यू टू एनी थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो वो आर्टिकल 355, तो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट होता है तो आर्टिकल 355 के तहत कौन सी इमरजेंसी लगती है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन और थ्रेट देयरफॉर ड्यू टू द आर्म रिबेलियन एज अ फैक्ट द मोस्ट फार दे कैन ब्रीफली सम अप टू। इसमें होता क्या है कि
नेशनल इमरजेंसी लगती है जो कि माना जाता है कि इंडिया को थ्रेट है, तो इस इमरजेंसी में होता क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सेट्रा आर सस्पेंडेड विच आर अदरवाइज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितनी भी आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता जो कि गवर्नमेंट ने आपको दिए होते हैं, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको हक देता है ना, जब इमरजेंसी लगती है तो वो सारे राइट्स ले लिए जाते हैं आपसे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्यूरिंग द एमरजेंसी द सिटीजन कैन नॉट मूव द कोर्ट फॉर इन्फोर्मेंस ऑफ देयर राइट, दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मे बी सस्पेंडेड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, अगर इमरजेंसी लग गई है तो आप अपने हक मानने के लिए कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे। द फेडरल नेचर ऑफ अवर पॉलिटिकल सेटअप इज चेंज इन टू द यूनिटरी एज द स्टेट आर ऑब्लाइज्ड टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटर। और जो हमारा देश में फेडरल सिस्टम चलता है ना, फेडरल सिस्टम बंद हो जाता है। आप जानते होंगे हिंदुस्तान में फेडरल सिस्टम चलता है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस करा था, लेकिन वो फेडरल सिस्टम तुरंत बंद हो जाता है अगर इमरजेंसी लग गई, और स्टेट के हाथ में पूरी पावर आ जाती है और स्टेट ही हिंदुस्तान को चलाता है। द पार्लियामेंट गेट द पावर टू इनैक्ट लॉ इवन ऑन सब्जेक्ट मेंशन ऑफ द स्टेट लिस्ट। अगर जो स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट होते हैं ना उस पर भी लॉ कौन बनाने लगता है, तुरंत पार्लियामेंट, सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है। द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अज्यूम ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल पावर। सेंट्रल के पास एक डिक्टेटोरियल पावर का मतलब है कि एक आदमी पूरा का पूरा चला रहा है, तो वो डिक्टेटरशिप वाला काम हो जाता है कि एक आदमी अकेले चलाए पड़ा हुआ है। इसमें फैक्ट दिया है कि इमरजेंसी कब लगी थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिक्लेयर इन इंडिया, अभी तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर थ्राइस, तीन बार लगी है, जब एक बार इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी 1962 में तब लगी थी, एक बार इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में तब लड़ी थी, और एक बार इंटरनेशनल डिस्टरबेंस हुआ था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1975 से 77 तक तब लगी थी। देश में तीन बार इमरजेंसी लग चुकी है, इंडिया और चाइना के युद्ध के टाइम लगी थी, इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के टाइम लगी थी, और एक बार लगी थी 1975 से 1977 तक जब इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज मेनी टाइम, फर्स्ट वॉज इन 1951। कॉन्स्टिट्यूशनल जो इमरजेंसीज होती हैं वो बहुत बार लगी हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके राइट्स वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं उनको छीन लिया जाता है, तो वो इमरजेंसी बहुत बार लगी है यहाँ पे। वो आपका बेसिकली मान लेते हैं कि जिसको आप राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, तो ये ही होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, मतलब आप अगर सरकार नहीं चला पा रहे। तो पहली बार जो लगी थी वो 1991 में लगी थी, उसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, तो ये बहुत बार लग चुकी है। ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी जिसको बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब सरकार अब सही तरीके से काम नहीं कर रही तो प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेता है, तो आर्टिकल 356 के तहत लगती है। इसमें क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट को कौन ले लेता है अपने हाथ में, प्रेसिडेंट ले लेता है, विच इज कैरीज ऑन द हेल्प ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और जिसको वो चलाता है उस स्टेट के गवर्नर की मदद से। द प्रेसिडेंट मे डिसॉल्व द विधानसभा ऑफ द स्टेट एंड डिसमिस द काउंसिलर मिनिस्टर, और ही मे कीप द असेंबली एज वेल एज द काउंसिलर मिनिस्टर इन द सस्पेंडेड एनिमेशन। अब प्रेसिडेंट चाहे तो उस स्टेट के विधानसभा के मेंबर को हटा भी सकता है और वहाँ के जो मंत्रिमंडल है उसको निकाल भी सकता है, वो चाहे तो उनको अपने साथ रख भी सकता है सस्पेंडेड स्टेट में। इन बोथ द केसेस द यूनियन पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू पास द लॉ इवन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। अब इसमें क्या होता है, दोनों केसेस में क्या होता है, लॉ कौन बनाएगा, यूनियन पार्लियामेंट ही बनाएगा, भले वो स्टेट का मैटर हो लेकिन लॉ उतना यूनियन पार्लियामेंट बनाएगा। फॉर डेट पार्टी इवन द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट इज प्रेजेंटेड एंड पास बाय द पार्लियामेंट, और स्टेट का एनुअल बजट भी कौन उस टाइम बनाता है अगर ऐसी इमरजेंसी लग जाएगी, तो पार्लियामेंट ही बनाएगा, क्योंकि उस राज्य में सरकार ही नहीं है, उस राज्य में सरकार तो प्रेसिडेंट चला रहा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, फाइनल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगती है। इसमें क्या होता है, व्हेन द प्रेसिडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री इज बैड, अगर उसको लगता है कि इंडिया की या कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन बुरी है तो वो क्या करेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देगा, और या उसको ये लगता है कि इंडिया की इकोनॉमिक हालत बर्बाद हो रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या क्या आता है, द सैलरीज एंड द अलाउंसेज ऑफ द पब्लिक सर्विसेज अंडर द यूनियन एज वेल एज द स्टेट्स एंड कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो जो भी सैलरीज होती हैं आपकी द पब्लिक सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज, चाहे वो यूनियन में हो चाहे स्टेट्स में, उनकी सैलरी में कट होने लगता है, सैलरीज उनको कम मिलने लगती है। द सैलरी ऑफ इवन द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दोज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इमरजेंसी, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनके जजेस की सैलरी भी कट करने लगता है प्रेसिडेंट का, मतलब इसमें किया जाता है प्रावधान है अगर ये इमरजेंसी लग गई।
मतलब सैलरी कम करने का मतलब यही कि पैसा बचाना, क्योंकि पैसा बचा नहीं तो लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे, तो कम कम सैलरी देंगे। द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू सबमिट मनी बिल टू हिम फॉर हिज एसेंट। अब अगर मनी बिल कोई आएगा तो वो कहेगा पहले उसको दो, प्रेसिडेंट के सामने उसको लाओ, तब वो आगे उसको करेगा। द प्रेसिडेंट कैन इशू इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट इन रिगार्ड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड इन मैनर रिफिटिंग। अब वो स्टेट्स को अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन देगा कि जो भी फंड वो दे रहा है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो उनको बताएगा कि किस हिसाब से उस पैसे को खर्चा करना है, क्योंकि पैसे की कमी है। ही इज़ फ्री टू अडॉप्ट ऑल द मेजर विच ही डीम नेसेसरी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द कंट्री इन द फंड। वो चाहे तो कोई भी मेजर इस्तेमाल कर सकता है जिससे वो कंट्री की फाइनेंशियल हालत को सुधारे, कम कम खर्चा हो पैसा, जिससे पैसा बचे और कंट्री की फाइनेंशियल हालत धीरे धीरे सुधरे। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ फाइनेंस कमिश्नर टू सजेस्ट द मेथड टू गेट आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। वो चाहे तो एक फाइनेंस कमीशन को बनाए और फाइनेंस कमीशन को रखे इसीलिए कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है इससे कैसे निपटना है। ही मे अडॉप्ट सुटेबल मेजर टू रिस्टोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस। और वो जो फाइनेंस कमीशन बनेगा उसकी यही जिम्मेदारी होगी कि वो प्रेसिडेंट को बताए चीजें तरीके कैसे पैसे को बचाया जा सके और इस फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म किया जा सके। लेकिन अभी तक इंडिया में ये इमरजेंसी नहीं लगी है। डिस्क्रिमिनेशनरी पावर, इसके अलावा भी प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स होती हैं अलग से जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स। इसमें क्या होता है, नॉर्मली द प्रेसिडेंट एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, बट इन सर्टेन केसेस द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज ओन डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। नॉर्मली क्या होता है कि वो तो प्रेसिडेंट क्या होता है नॉर्मली काउंसिल की एडवाइस पे ही काम करता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसको उसको अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो उसकी डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट मे विदहोल्ड हिज एसेंट टू अ बिल और मे सेंड इट बैक फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। प्रेसिडेंट चाहे तो बिल को रोक ले या उसको वापस भेज दे किसी भी हाउस में रिकंसिडरेशन के, अगर वो मनी बिल नहीं, मनी बिल तो उसको पास करना होता है, लेकिन और कोई बिल है तो वापस भेज सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट विच द प्रेसिडेंट इज टू डिक्लेयर हिज असेंट और रिफ्यूजल टू रिटर्न द बिल बाय द रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ द टाइम कीपिंग द प्रेसिडेंट मे सिंपली कीप एंड रिवर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी प्रेसिडेंट के ऊपर दबाव नहीं डालना है कि प्रेसिडेंट को जो है इतना टाइम में इस बिल को देना है, लेकिन वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो उसको तुरंत देना है। तो इसकी ही एक पावर है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तो इस बिल को अपने पास रोक सकता है और जितने देर के लिए चाहे अपने पास रोक सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको जवाब देके उसको वापस करना है। तो यही प्रेसिडेंट की वीटो पावर है, इसी को वीटो पावर ही बोला जाता है, प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है कि वो बिल को पास ही करे, वो अपने पास बिल को जितनी देर चाहे उतनी देर रख सकता है। तो ये उसकी एक वीटो पावर थी। लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं है, मनी बिल के केस में उसको साइन ही करना होता है। व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन ऑफ द पार्टीज एंजॉयज अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द प्रेसिडेंट हैज अ डिस्क्रिमिनेशन इन इनवाइटिंग द लीडर ऑफ द पार्टी और कोलिशन ऑफ द पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट हु इन हिज अपोजिशन इज एबल टू फॉर्म द स्टेबल गवर्नमेंट। अगर जैसे कि लोकसभा का जब इलेक्शन होता है और कोई भी पार्टी मेजोरिटी से नहीं जीतती है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है कि वो दो पार्टीज को या तीन पार्टीज को बुलाए और उनसे कहे आप सब लोग मिलके एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना दें, यानी जिसको बोलते गठबंधन की सरकार बनाए। तो प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो लोगों को बुला के इन्वाइट करके ये कह सकता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फॉर्म करें, ये भी उसकी पावर है। द प्रेसिडेंट कैन नॉर्मली डिजॉल्व लोकसभा, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिजॉल्व कर सकता है only on the advice of the union council of minister, अगर union council of minister उसको advice देते हैं तो। लेकिन but the advice is not binding on the president if the government has lost majority। अब अगर government के पास majority नहीं है तो वो advice president को bind नहीं करती कि आपको ये करना ही करना है। जनरली प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। लेकिन अगर जो भी सरकार बनी है वो मेजोरिटी में नहीं है या इतनी दमदार सरकार नहीं है, तो क्या है, प्रेसिडेंट अपनी पावर जो है, जो उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर है, वो उस हिसाब से ही उस पर फैसला करता है। द प्रेसिडेंट इंजॉय द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास एक राइट है कि वो प्राइम मिनिस्टर से इन्फॉर्मेशन ले सकता है एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड और जो भी यूनियन में अफेयर चल रहे हैं।
आ केयर टेकर गवर्नमेंट एट द सेंटर कैन नॉट मेक मेजर डिसीजन द प्रेसिडेंट कैन रिस्ट्रेन सच अ गवर्नमेंट फॉर टेकिंग सच डिसीजन। अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट है तो वो मेजर डिसीजन नहीं ले सकती है, क्योंकि जब तक वो प्रेसिडेंट से एडवाइस नहीं लेंगे तो मेजर डिसीजन नहीं ले सकते, तो प्रेसिडेंट उनको रोकता है ऐसे डिसीजन लेने के लिए। रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्क्रिशनरी पावर। अब क्या है जो रिजर्वेशन है ना स्टेट बिल का कि बढ़ाने के लिए, वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। इन केस ऑफ द मनी बिल सो रिजर्व द प्रेसिडेंट मे आइदर डिक्लेयर हिज असेंट और विदहोल्ड हिज असेंट, बट इन केस ऑफ द बिल अदर देन द मनी बिल द प्रेसिडेंट मे इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग हिज असेंट और रिफ्यूजिंग इट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर द रिकंसिडरेशन। अब क्या है जो बिल को बढ़ाने की जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर किसकी है, वो प्रेसिडेंट की है। मनी बिल तो आप जानते ही हैं वो रिजल्ट है, लेकिन उसके अलावा कोई और सा बिल अगर आता है तो प्रेसिडेंट चाहेगा अगर वो चाहे तो उसको आगे बढ़ाए, वरना वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस दे सकता है किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, कि आप उसको रिकंसिडर करिए। उसके बाद अगर वो रिकंसिडरेटर के बाद भी रिकंसिडरेशन के बाद भी बिल आता है इन द लेटर केस द लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर द बिल विद इन द 6 मंथ एंड इट इज पास अगेन द बिल शैल बी प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट अगेन। अब 6 महीने के अंदर उस बिल को दोबारा रिकंसिडर करना है। अगर वो रिकंसिडर हो गया 6 महीने के अंदर और दोबारा पास हो गया तो वो फिर किसके पास आएगा, फिर आएगा प्रेसिडेंट के पास दोबारा। बट इट शैल नॉट ऑब्लीगेटरी अपॉन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट इन दिस केस। और इस केस में भी ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट दोबारा भी उसको साइन कर दे या उसके ऊपर फोर्स किया जाएगा कि उसको साइन किया जाए। इट इज क्लियर दैट अ बिल विच इज रिजर्व फॉर द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नाउ हैव लीगल इफेक्ट। जो भी बिल प्रेसिडेंट के पास गया है और लीगली रुका हुआ है उसके कंसल्टेशन के लिए, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता। मतलब मैं कहने का मतलब ये कि रिकंसल्टेशन के लिए गया, उसके बाद फिर वो वापस आ गया 6 महीने के अंदर पास हो गए तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट को इसमें पास ही करना है उसको। तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है ना वीटो पावर, वो चाहे तो उसको वहीं पे रोक दे बिल को और वहीं पड़ा रहा है उसकी टेबल पे वो हमेशा के लिए। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर हिज असेंट टू इट देयर इज नो मींस ऑफ ओवरराइडिंग द प्रेसिडेंट वीटो इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। तो स्टेट लेजिस्लेशन में कोई भी ऐसा रोल नहीं होता कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर को ओवरराइड कर दिया जाएगा। जो वीटो पावर है प्रेसिडेंट की, वो यही वीटो पावर है कि बिल अगर उसको नहीं आगे बढ़ाना तो नहीं बढ़ाएगा, वो उसको वहीं पर छोड़ देगा और वो पड़ा रहेगा। द लिमिटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट की लिमिटेशंस आप देख सकते हैं क्या क्या है। आफ्टर द क्लोज स्टडी ऑफ द वेरियस इमरजेंसी साइटेज अबव एंड द इफेक्ट देयरफॉर इट अपीयर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन अज्यूम डिक्टेटोरियल पावर ही डिजायर्स सो, बट दिस इज नॉट ट्रू। आवर पार्लियामेंट इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द प्रेसिडेंट इज ओनली अ टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट। द इनॉर्मस पावर लिंक विद हिज नेम आर इन फैक्ट इन्वॉल्व बाय द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु कम फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट कलेक्टिव। अभी जो इमरजेंसी पावर पड़ी तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो जब चाहे तो इमरजेंसी लगा सकता है, वो जब चाहे तो कुछ कर सकता है और वो डिक्टेटर की तरह पूरे देश को संभाल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री देश है हमारा। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है, वो खाली इंडिया को लीड करता है लेकिन इंडिया को वो चलाता नहीं है। ये सब पावर्स बनाई पार्लियामेंट ने है तो ये पार्लियामेंट के द्वारा ही इंजॉय की जाती है। या तो ये प्राइम मिनिस्टर इसको इंजॉय करता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको इंजॉय करता है, और वही लोग जवाबदेह होते हैं किसको, पार्लियामेंट को, कि आपने किस पावर का कैसे इस्तेमाल किया, क्यों किया, तो पार्लियामेंट को वही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थस इट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। तो जो भी फंक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का, उस पर एडवाइस उसको कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है या उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करते हैं। द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, और कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट बंधा हुआ है, उसको उनकी एडवाइस को मानना ही मानना है। इन दिस वे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इम्पोज लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी तरीके से हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक लिमिटेशन लगाए हुए हैं प्रेसिडेंट की पावर पे। Likewise, the Parliament also exerts certain limitation on the power of the President, also limitation in the approval of the permission of the emergency by the Parliament. If the Parliament does not approve them, they become void. अब क्या है कि अभी हमने पढ़ा था, अगर President ने emergency लगा दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो emergency लग जाएगी जब तक Parliament उसको approve नहीं करेगा, और अगर Parliament ने उसको approve नहीं करा तो वो emergency नहीं लगेगी, वो null और void हो जाएगा। तो क्या है कि Parliament भी उसकी powers को limit कर रहा है। If a president bypass all the check and act in the manner which is against the letter spirit of the constitution, he may be impeached and removed from his office and the president is bound to act within the provisions of the constitution.
और अगर प्रेसिडेंट कोई ऐसी हरकत करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है और पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको निकाला भी जा सकता है, तो उसका इम्पीचमेंट हो सकता है। तो उसको जो भी अपने काम करने हैं वो प्रेसिडेंट को बाउंड होके ही करने हैं। पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल द पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव मच रियल पावर। हिज पोजीशन इज वन ऑफ द ग्रेट डिग्निटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट द इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ही रिप्रेजेंट द नेशन बट नॉट रूल द नेशन। प्रेसिडेंट की पावर, एक प्रेसिडेंट की पोस्ट एक बहुत ही डिग्निफाइड पोस्ट है, लेकिन उसकी जो पावर का एंजॉयमेंट है वो नहीं करता, वो पावर एडवाइस लेके ही उसको एंजॉय करता है। प्रेसिडेंट आपका हेड है आपके स्टेट का, लेकिन एग्जीक्यूटिव का स्टेट नहीं है। प्रेसिडेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है लेकिन इंडिया को चलाता नहीं है। द इंडियन प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अबव द प्रोसेस ऑफ द लॉ। ही हैज द राइट टू इन्फॉर्म ऑन ऑल द मैटर। उसके पास ये राइट है कि उसको कोई भी मैटर हो उसको बताया जाए। विद द एमरजेंसी कोलिशन ऑफ द गवर्नमेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर इज ग्रोइंग। द कंपोनेंट कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट कैन इन्फ्लुएंस द शेपिंग ऑफ द नेशनल पॉलिसी। द इवेंट ऑफ द लास्ट डिकेड दे हैव द शोन दैट द प्रेसिडेंट कैन प्ले द रोल ऑफ द गाइडेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वॉइस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो प्रेसिडेंट आपका हेड है लेकिन प्रेसिडेंट देश को चलाता नहीं है। उसके पास सारी बातों का राइट है कि उसको आप इन्फॉर्म करेंगे कोई भी चीज़ हो रही है हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान को चलाता है पार्लियामेंट, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदुस्तान चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही प्रेसिडेंट भी चलता है। प्रेसिडेंट हमको रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान को वो, लेकिन हिंदुस्तान को वो रूल नहीं करता। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? क्वालिफिकेशन, अ कैंडिडेट टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया मस्ट पजेस द सेम क्वालिफिकेशन एज एसेंशियल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की होती है वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की। मोर एवर ही शुड बी क्वालिफाइड टू इलेक्ट टू द राज्यसभा। और उसके पास ये भी राज्यसभा के जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन होती है उसके पास वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट वाली क्वालिफिकेशन भी चाहिए और राज्यसभा के लिए भी चाहिए। और प्रेसिडेंट के लिए कौन सी चाहिए थी? लोकसभा की चाहिए थी। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन यूनियन इज इलेक्टेड जॉइंटली बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। द प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन कंसिडर्स सीक्रेट बैलेट। द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव इन अ सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट। द प्रपोजल फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू बी प्रपोज बाय द 20 मेंबर एंड द सेकंड बाय द 20 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड। पुल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ द सेम इलेक्शन है। जैसा इलेक्शन आपका प्रेसिडेंट को होता है वैसे सेम इलेक्शन आपका किसका हो रहा है? वाइस प्रेसिडेंट का हो रहा है। उसमें आपका 50 मेंबर्स का चाहिए होता था प्रपोजल, लेकिन इसमें 20-20 मेंबर्स का प्रपोजल चाहिए होता है पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट ही चुनते हैं इनको, इलेक्ट करते हैं। जैसा कि सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट सिस्टम आपका प्रेसिडेंट में था वैसे सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट सिस्टम किसमें होता है? वाइस प्रेसिडेंट में होता है। एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द वोट पोल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ द, और जो मेजोरिटी जिसको मिलेगी वही बंदा इलेक्शन जीतता है इसमें भी। ही इज रिमूव इन द सेम वे एज द प्रेसिडेंट। और रिमूवल भी इसका बिल्कुल सेम होता है जैसे प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। इम्पीचमेंट अगर पार्लियामेंट चाहे तो उनको इम्पीच करके निकाल सकता है। फंक्शन क्या क्या है इनके? ऑर्डिनरी द प्राइम मिनिस्टर हैज लिटिल टू डू विद द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट येट ही हैज सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म। कौन कौन सी होती है? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मैंने जब राज्यसभा पढ़ाया था उसमें बताया था कि ऑफ राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। लाइक द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा इलेक्ट्स डिप्टी चेयरमैन ओनली। राज्यसभा अपने डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करती है और जिसका चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इन हिज कैपेसिटी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ड्रॉ सैलरी ऑफ 4 lakhs पर मंथ। 4 lakh पर मंथ उसको सैलरी मिलती है प्लस मेनी अदर अलाउंसेस उसको मिलते हैं और भी फैसिलिटीज उसको मिलती है। ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ द टाई। अगर टाई होता है तो उसमें कास्टिंग वोट डाल सकता है क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन है। जैसे लोकसभा में स्पीकर कास्टिंग वोट डालता था ऐसे ही राज्यसभा में आपका वाइस प्रेसिडेंट कास्टिंग वोट डालेगा। इन हिज एब्सेंस द डिप्टी चेयरमैन हेड्स द राज्यसभा। और अगर वो नहीं होगा राज्यसभा में तो राज्यसभा को कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन करेगा। एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट ड्यू टू द रेजिग्नेशन डेथ इम्पीचमेंट इनवेट और द एब्सेंस फ्रॉम द कंट्री द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक द अदर कॉन्टिनेंट यूएसए बट अनलाइक द। अगर इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं है या उसकी जगह खाली है या गद्दी खाली है तो तब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है प्रेसिडेंट की तरह, जैसे और देशों में होता है। कहाँ? यूएसए में होता है कि वो प्रेसिडेंट की गद्दी पे तो बैठ जाते हैं। बट अनलाइक द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अवर वाइस प्रेसिडेंट होल्ड दिस ऑफिस ओनली टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। लेकिन वो तब तक रहेगा जब तक नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता। दिस पीरियड कैन बी ऑफ 6 months एट मोस्ट।
छः महीने का होता है ये पीरियड, छः महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन कराने होते हैं और प्रेसिडेंट को दोबारा इलेक्ट करना होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द ऑफिस। लेकिन और दूसरी कंट्री में यूएसए में क्या होता है कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बनता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, छः महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन कराने होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया जिसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।